Hello everyone, this video is a sample recording from our live classroom session for GATE and UGC NET Computer Science. If you want to enroll for the UGC NET Plus course or the GATE Plus course, please call us on the numbers that is given in this video, and you can also visit our website, which is www.digimeter.com. I hope you like the video and please like and share with your friends. So last class mein hum log multiplexer study kar rahe the aur मल्टीप्लेक्सर में हम लोगों ने बेसिकली 2 क्रॉस 1 मक्स एंड 4 क्रॉस 1 मक्स दोनों ही स्टडी कर लिया था. ठीक है, 2 क्रॉस 1 मक्स को एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट हम लोगों ने स्टडी किया था और 4 क्रॉस 1 को भी एज अ यूनिवर्सल एलिमेंट हम लोगों ने स्टडी किया था. ठीक है, नाउ यहां पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मल्टीप्लेक्सर में, तो मल्टीप्लेक्सर में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स. मींस अगर आपको हायर ऑर्डर मक्स बनाना है और आपको बहुत सारे लोअर ऑर्डर मक्स गिवन है, तो आप कैसे डिजाइन करोगे. ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लेक्सर में वो यही होगा, हायर ऑर्डर मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स. तो इसमें मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, 4 क्रॉस 1 मक्स यूजिंग 2 क्रॉस 1 मक्स. तो यहां पर हमें 4 क्रॉस 1 मक्स बनाना है और 2 क्रॉस 1 मक्स हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, हम जितने चाहे उतने यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एज मिनिमम एज पॉसिबल यूज करने हैं. ठीक है, अब देखो यहां पर समझना क्या है हम लोगों को कि हमारा टारगेट क्या है. हमारा जो टारगेट है 4 क्रॉस 1, उस टारगेट के अकॉर्डिंग इनपुट जो है हमारे वो कितने होने चाहिए, 4 लाइंस होनी चाहिए, 4. तो आप खुद थिंक करो कि जो आपके पास है 2 क्रॉस 1, ठीक है, जो आपके पास है 2 क्रॉस 1, उसमें कितने इनपुट होते हैं हमारे, 2 इनपुट्स होते हैं. ठीक है, और जो आपको बनाना है 4 क्रॉस 1, उसके हिसाब से आपके 4 इनपुट्स होने चाहिए. तो आपको सिंगल स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में कितने 2 क्रॉस 1 लेने चाहिए जिससे आपके इनपुट जो हो जाए वो 4 हो जाए. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 2 2 क्रॉस 1 लेने चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे आपके 4 इनपुट्स हो जाए, 1 2 3 4. इस पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है कि आप यूज भले ही 2 क्रॉस 1 का कर रहे हो, लेकिन जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, वो क्या है, 4 क्रॉस 1 है. तो आपको जो इनिशियल इनपुट है वो 4 लाइंस दिखनी चाहिए और जो फाइनल आउटपुट है वो भी सिंगल 1 लाइन दिखनी चाहिए, 4 क्रॉस 1. तो यहां पर 1 2 क्रॉस 1 से 1 लाइन मिलेगी, 2 क्रॉस 1 से भी 1 लाइन मिलेगी, तो टोटल आपको 2 लाइंस मिल गई. बट फाइनल आउटपुट में कितनी लाइन मिलनी चाहिए थी, ओनली 1. तो हम क्या कर सकते हैं, 2 क्रॉस 1 एक बार और यूज कर सकते हैं. देखो आप सिंपल लैंग्वेज में माइंड में रखो, 2 क्रॉस 1 क्या करता है, 2 को 1 में कन्वर्ट करता है. तो आपका टारगेट भी वही है कि आपको फाइनली 1 लाइन चाहिए, तो आप क्या कर दो, 2 का 1 कर दो, सो 1 मोर 2 क्रॉस 1. ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल 4 क्रॉस 1. क्लियर है, तो 4 क्रॉस 1 डिजाइन करने के लिए वी रिक्वायर्ड 3 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. क्लियर, नाउ यहां पर एक और कंसेप्ट है, ऑल दो एग्जाम में आपको सिर्फ नंबर ही पूछता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे पूछेगा कितने 2 क्रॉस 1 मक्स चाहिए, तो आप आंसर कर दोगे 3. लेकिन यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो ये है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 4 क्रॉस 1 जो है, 4 क्रॉस 1 जो है उसमें टोटल आपकी कितनी सेलेक्ट लाइन होती है, 2. ठीक है, और 2 क्रॉस 1 में कितनी सेलेक्ट लाइन होती है आपके पास, ओनली 1. ठीक है, तो ये जो 2 सेलेक्ट लाइन है जो 4 क्रॉस 1 में यूज करनी है आपको, क्योंकि ओवरऑल तो 4 क्रॉस 1 ही है, तो वो 2 सेलेक्ट लाइन किस तरीके से, या 2 वेरिएबल जो सेलेक्ट लाइन वाले वेरिएबल्स हैं, वो किस तरीके से आप 2 क्रॉस 1 में यूज करते हो. अगर किसी इंटरव्यू में आपको डायग्राम बनाना पड़ जाए तो मैं आपको यहां समझा देता हूं. देखो हर एक स्टेज में यूज करने वाली सेलेक्ट लाइन आपकी सेम होती है. जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने 2 2 क्रॉस 1 मक्स यूज किए, तो फर्स्ट स्टेज में दोनों के दोनों मक्स के लिए S1 S1 आप यूज करते हो स्टैंडर्ड फिगर में, और सेकेंड स्टेज में आप यूज करते हो S2.
नेमिंग कुछ भी हो सकती है, एस जीरो एस वन दे सकते हो, एस वन एस टू दे सकते हो, एनीथिंग. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि 4x1 आप डिजाइन कर रहे हो तो आपके पास 2 सेलेक्ट लाइंस हैं जिन्हें आपको शो करना है. ठीक है. नाउ एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 8x1 यूजिंग 2x1. तो यहां पर भी काफी इजी है, आप समझ चुके होंगे आपका टारगेट क्या था, 8 लाइंस इनपुट में. तो आप क्या करोगे, 2x1 4 ले लोगे टोटल, तो आपकी 8 लाइंस बन जाएंगी. ठीक है. बट आपके पास 4 लाइंस आउटपुट की हो गई, लेकिन आपको चाहिए कितनी लाइंस थी, ओनली 1 लाइन चाहिए थी. 8x1 ड्रॉ करना है ना हमें, तो यहां पर आप 2x1 2 और यूज कर लोगे, क्योंकि 2x1 का एम क्या है, 2x1 करता क्या है, 2 का 1. ठीक है. तो यहां पर आपके पास 4 का 2 हो गया, बट टारगेट क्या है, 2 का 1 करना है एक बार और, तो एक और 2x1 यूज कर लो, तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, 1. तो अगर आप देखोगे 8x1 यूजिंग 2x1, तो यहां पर टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 2x1 आपको चाहिए. ठीक है. और अगर सेलेक्ट लाइन भी अगर आप देखो क्या फिट हो रही है सेलेक्ट लाइन आपकी टोटल, तो 8x1 के लिए आपको कितनी सेलेक्ट लाइन चाहिए, 3. आप जानते हो 8x1 में 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए, एक 2x1 में 1 लगती है. तो मैंने क्या कहा कि हर एक स्टेज में यूज की जाने वाली सेलेक्ट लाइन आप सेम रख दो. तो फर्स्ट स्टेज में दे दो S1 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 S1, सेकंड में दे दो S2 S2, थर्ड में दे दो S3. तो देखो सेलेक्ट लाइन से आपको एक और चीज का नॉलेज यहां पर मिल गया कि आपके नंबर ऑफ स्टेजेस भी उतने ही बनने चाहिए थे. फिर देखो आपको एक हिंट मिल गई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. यहां पर अगर आप देखो, आपको पता था आपको ड्रॉ करना है 4x1, मतलब 2 सेलेक्ट लाइन है, तो आपके नंबर ऑफ स्टेजेस भी 2 ही बनने चाहिए थे, क्योंकि हर एक स्टेज में आपको एक सेलेक्ट लाइन देनी है. नहीं, यहां पर देखो 8x1 मतलब 3 सेलेक्ट लाइन थी, तो नंबर ऑफ स्टेजेस भी आपके 3 ही बनने चाहिए थे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे. तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए. अगर मैं यहां पर आपको बोलूं 64x1 यूजिंग 4x1, तो आपको 64x1 बनाना है यूजिंग 4x1. तो यहां पर 4x1 कितने यूज करने चाहिए हमें इनिशियल स्टेज में, जिससे जो इनपुट्स हैं, इनपुट लाइंस जो हैं, वो 64 हो जाएं. आप खुद समझ सकते हो 16, तभी तो 4 × 16 कितना हो जाएगा 64. तो ऐसे करके आप टोटल 16 4x1 यूज करोगे इनिशियल स्टेज में. अब 16 4x1 से कितने आउटपुट्स मिलेंगे, 1 1 1 1, कितने हो गए टोटल, 16 हो गए. अब इन 16 लाइंस को आपको कन्वर्ट करना है 1 लाइन में, और आपके पास है क्या, आपके पास ओनली है 4x1. तो आप क्या करोगे, कितने 4x1 लोगे, अब आप लोगे टोटल 4 4x1, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज में 16 4x1 लिए, हर एक 4x1 से एक लाइन मिली, मतलब टोटल 16 लाइन मिली. अब उस 16 लाइंस को आपको कन्वर्ट करते चलना है ताकि आपको फाइनल आउटपुट में 1 लाइन मिले. तो अभी के लिए आप उन 16 लाइंस के लिए कितने 4x1 लोगे, 4. तो 4 फर्स्ट में, 4 सेकंड में, 4 थर्ड में, 4 फोर्थ में, इससे आपको मिल जाएंगी टोटल 4 लाइन. और फाइनली आप एक और 4x1 ले लोगे, जिससे आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा. क्लियर है अच्छे से. नाउ यहां पर भी अगर आप सेलेक्ट लाइन का कंसेप्ट चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो. कैसे, 64x1 ये कितना होता है आपका, 2 की पावर 6. ठीक है, 64x1 मींस 2 की पावर 6 होता है आपका. तो 2 की पावर 6 मतलब 64x1 के लिए आपको 6 सेलेक्ट लाइन चाहिए थी. 64x1 के लिए 6 सेलेक्ट लाइन चाहिए थी, जैसे कि
2 क्रॉस 1 के लिए 1 चाहिए होती है, 4 क्रॉस 1 के लिए 2, 8 क्रॉस 1 के लिए 3, वैसे ही 64 क्रॉस 1 के लिए आपको 6 सेलेक्ट लाइन चाहिए थी, तो 4 क्रॉस 1 के लिए कितनी थी, 2। तो इसका मतलब क्या है, जो 6 सेलेक्ट लाइन है हर एक 4 क्रॉस 1 के लिए आपको 2-2 चाहिए होती, तो पहले स्टेज में आप 2 सेलेक्ट लाइन यूज करते, सेकेंड में 2 न्यू और करते, थर्ड में 2 न्यू और करते, तो टोटल 6 सेलेक्ट लाइन आपकी यूज हो गई। तो चूंकि आप 4 क्रॉस 1 का यूज कर रहे थे तो हर एक स्टेज में आपको 2-2 सेलेक्ट लाइन चाहिए थी और टोटल आपके पास 6 सेलेक्ट लाइन थी, इसका मतलब आंसर जो आप फिगर बनाते वो कभी भी 3 स्टेज से ज्यादा नहीं बनता। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, क्लियर है अच्छे से। तो 21 आपके टोटल 4 क्रॉस 1 यहां पर लगेंगे। अब यहां पर जो ट्रिक है, मीन्स बिना डायग्राम बनाए आप कैसे चेक कर सकते हो, तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं 8 क्रॉस 1 यूजिंग 2 क्रॉस 1 की, तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर करना है, मीन्स 8 बाय 2 करना है, डिवाइड हमेशा सेकेंड नंबर से ही करना है, ठीक है। तो 8 बाय 2 प्लस जो भी आंसर आ रहा होगा उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड हमेशा मीन्स इस नंबर से करना है जिसका यूज कर रहे हो आप, तो 4 बाय 2 फिर जो भी आंसर आ रहा होगा, 2 आ रहा है तो 2 बाय 2। तो ये डिवीजन आपको तब तक परफॉर्म करते रहना है जब तक 1 ना आ जाए, जैसे ही 1 आया स्टॉप कर जाओ। तो कितना बचा ये, 4 प्लस 2 प्लस 1 7, तो देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमें लगे थे टोटल। यहां पर फिर से देखो आप 64 बाय 4 कितना होता है, 16, ठीक है, डिवाइड हमेशा 4 से ही करना है इस सेकंड वाले से, तो 64 बाय 4 16, फिर 16 बाय 4 कितना बचा 4, फिर आप करो 4 बाय 4 तो 1 आ गया, जैसे ही 1 आ गया स्टॉप कर जाओ और टोटल जो हुआ उसको काउंट कर लो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 21, क्लियर है। तो आपको ये ट्रिक हमेशा माइंड में रखनी है और इसका हमेशा आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब आपका ये ट्रिक काम नहीं करती, जब ये ट्रिक काम नहीं करेगी तो इसका मतलब आप समझ लेना कि उस तरह के मल्टीप्लेक्सर से जो डिजाइन आप करना चाह रहे हो नहीं कर सकते हो, सिंगल टाइप के मल्टीप्लेक्सर से। मींस एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल है यहां पर 32 क्रॉस 1 यूजिंग 8 क्रॉस 1, ठीक है, 32 क्रॉस 1 यूजिंग 8 क्रॉस 1। तो अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूं यहां पर, तो ट्रिक यहां पर वर्क नहीं करेगी, आप समझ सकते हो कैसे। 32 क्रॉस 1 यूजिंग 8 क्रॉस 1 है ना, तो आप सबसे पहले करो 32 बाय 8, तो कितना हो गया ये 4, तो 4 बाय 8 क्या 1 होता है, नहीं होता, 4 बाय 8 आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 1 आने का कोई चांस नहीं है यहां पर, इसका मतलब ये ट्रिक यहां काम नहीं करेगी। और जब भी ट्रिक काम ना करे ना, तो इस बात को समझ लेना कि 32 क्रॉस 1 जो है वो 8 क्रॉस 1 का यूज करके बनाया ही नहीं जा सकता। कैसे, मैं आपको शो भी करता हूं, आप देखो अगर हम 8 क्रॉस 1 का यूज करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस होती, हमें चाहिए कितनी लाइंस थी स्टार्टिंग में 32, तो आपको 4 यूज करने पड़ते 8 क्रॉस 1, तो यहां पर आपकी टोटल 32 लाइंस हो जाती। अब इनसे आपको 4 लाइंस मिलती, ठीक है, तो इनपुट में तो 32 लाइन आपने जनरेट कर ली वाया यूजिंग 4 8 क्रॉस 1, बट आपको जो 4 आउटपुट लाइंस मिली हैं, तो उसके लिए तो अब आपको 4 क्रॉस 1 चाहिए होगा या 2 2 क्रॉस 1 चाहिए होंगे। अगर आप 8 क्रॉस 1 यूज करोगे तो 4 लाइंस तो ये इनपुट बन जाएंगी 8 क्रॉस 1 का, बाकी के 4 इनपुट कहां से लाओगे 8 क्रॉस 1 के, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 2 मार्क्स दिए हों, मींस यूजिंग 8 क्रॉस 1 एंड 4 क्रॉस 1,
तो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर चूज कर सकते हो। जैसे कि एक आंसर यह हो सकता था इसका, बाय यूजिंग 4 8 क्रॉस 1 एंड 1 4 क्रॉस 1। आप देख सकते हो 4 लाइंस थी, तो अगर 4 क्रॉस 1 होता हमारे पास तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो ध्यान रखो, अगर सिंगल से हो सकता है, जैसे कि 4 क्रॉस 1 से 64 क्रॉस 1 हो सकता था, तो हमेशा ट्रिक काम करेगी। तो जब भी सिंगल वाला क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करो, कोई भी वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्किंग को हमेशा माइंड में रखो, कभी अगर नीड हुई तो आप वर्किंग यूज कर सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो हमें अब स्टडी करना है मल्टीप्लेक्सर के अंदर, लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने एंड गेट और गेट ये सारी चीजें आपको डिजाइन करवाई थी यूजिंग 2 क्रॉस 1 एंड 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। तो मैंने आपको वहां भी बोला था कि जो आपने लॉजिक गेट डिजाइन किए हैं, लॉजिक गेट भी है क्या? बेसिकली इक्वेशन ही है, बुलियन इक्वेशन है। तो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप बुलियन इक्वेशन को रियलाइज कर सकते हो। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, उस टाइम तो हमने स्टैंडर्ड लॉजिक गेट के बुलियन इक्वेशन को रियलाइज किया था, अब हम किसी भी बुलियन इक्वेशन को रियलाइज करना लर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए मेथड समझाऊंगा बहुत अच्छे से, 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद कोई भी बुलियन इक्वेशन आएगा आप उसको मल्टीप्लेक्सर के थ्रू रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं, YA, B, C, D। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, रियलाइजेशन ऑफ बुलियन इक्वेशंस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो देखो, सिग्मा एम 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15। ठीक है, तो ये हमारा एक बुलियन इक्वेशन है, आपको पता है ये इक्वेशन है, एसओपी फॉर्म में है क्योंकि सिग्मा एम है। ठीक है ना, अगर आप इक्वेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे आप, 2, 2 क्या होता है, 0, 0, 1, 0, मतलब ए बार बी बार सी डी बार, प्लस 3, 0, 0, 1, 1, ए बार बी बार सी डी। तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक बुलियन इक्वेशन है, काफी लेंथी बुलियन इक्वेशन है, हमें इसे अब रियलाइज करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं वो है यूजिंग 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, 8 क्रॉस 1 मक्स का यूज करके आपको इसको रियलाइज करना है। ठीक है, अब क्या करना होगा इसमें, क्वेश्चन में और क्या गिवन होना चाहिए, थिंक करो एक बार। अगर आप थिंक करोगे तो आप समझोगे कि 8 क्रॉस 1 मक्स के लिए 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए आपको गिवन होना चाहिए कि सेलेक्ट लाइन हम कौन सी लें, क्योंकि यहां पर टोटल 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी। ठीक है ना, तो आउट ऑफ 4 वेरिएबल किन वेरिएबल्स को आप सेलेक्ट लाइन लोगे। जैसे अगर आपको याद हो लास्ट क्लास पे जब हम 2 क्रॉस 1 का यूज करके लॉजिक गेट्स रियलाइज करते थे तो हम जनरली ए और बी में से ए को सेलेक्ट लाइन ले लेते थे, जो 2 वेरिएबल होते थे। तो यहां पर आपके पास 4 वेरिएबल्स है, तो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि किस वेरिएबल्स को आपको, किन वेरिएबल्स को आपको सेलेक्ट लाइन लेना है। तो यहां पर गिवन है टेक ए सी डी एज अ सेलेक्ट लाइन, तो आपको ए सी डी को सेलेक्ट लाइन लेना है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है ना, यहां पर अब आपको करना क्या है, देखो ऑल दो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बोला हुआ है कि सबको गिनती आनी चाहिए 4 वेरिएबल्स तक की, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए फिर से लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमें यहां काउंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी हमारे पास है, तो यहां पर मैं काउंटिंग आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर करना क्या होगा हमें कि जो 3 वेरिएबल सेलेक्ट लाइन हो चुके हैं उनको आप भूल जाओ अभी के लिए, बस सोचो बचा क्या, बचा है बी। तो अगर आपको लास्ट क्लास याद हो
जब हम 2 क्रॉस 1 mux को एज ए यूनिवर्सल एलिमेंट पढ़ रहे थे, जब हम a को सरेक्ट लाइन लेते थे तो बचा हुआ वेरिएबल जो b था वो एज ए इनपुट यूज हो सकता था, वैसे यहां पर a b c d 4 वेरिएबल्स थे जिसमें से आपने a c d को सरेक्ट लाइन ले लिया जो कि क्वेश्चन में मेंशन था, तो जो बचा हुआ वेरिएबल b है वो सेलेक्ट लाइन के जैसे यूज हो सकता है, वो इनपुट के जैसे यूज हो सकता है बेसिकली। ए सी डी सेलेक्ट लाइन और बी क्या होगा इनपुट। अब देखो जो भी इनपुट के जैसे यूज हो सकता है ना जो कि बी है, तो बी एक सिंगल वेरिएबल है, बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिर्फ दो, बी बार या बी, जीरो या वन, ठीक है। तो आपको टोटल दो रोस क्रिएट करनी है, तो रोस किसकी क्रिएट करनी है जो इनपुट की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जो सेलेक्ट लाइन में आप यूज कर लोगे उसको इनपुट में यूज नहीं करोगे। तो अब यहां पर आपको देखना है काउंटिंग में जाकर कि बी बार कहां कहां दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो जीरो कहां कहां दिख रहा है, बी, जीरो वन टू थ्री। अब नेक्स्ट जीरो कहां दिख रहा है, देखो एट पर दिख रहा है, नाइन पर, टेन पर और इलेवन पर। अब देख लो बी वन कहां कहां दिख रहा है, फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहां पर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, आपको बी बार और बी की रोज बना देनी है, यही प्रोसेस है। ऑल्दो अभी हम बहुत स्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लर्न करना है प्रोसेस, लेकिन एग्जाम में अगर आपको काउंटिंग आती है, प्रोसेस पता है, तो हार्डली 30 सेकेंड, हार्डली 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो देखो क्या करना है, आपको b बार और b है ना, अब आपको क्या करना है, जो जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं सिग्मा m के अंदर, उन सबको सर्कल कर देना है बस। तो क्या क्या नंबर है आपका, 2 3 6 8 9 12 13 15, ठीक है। जो जो नंबर हैं उनको आप सर्कल कर दो, समझ में आ गया। नाउ हम लोग बी की रो इसलिए बनाते हैं कि जो इनपुट की तरह यूज किया जा सकता है। यहां पर चार वेरिएबल थे ए बी सी डी, जिसमें से आपका ए सी डी क्या था, सेलेक्ट लाइन दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो जो वेरिएबल इनपुट की तरह यूज किया जा सकता होगा, मतलब जो सेलेक्ट लाइन में यूज नहीं हो रहा है उसी को आप इनपुट में यूज कर सकते हो मक्स के, तो उसी की रोज आपको बनानी है। तो खाली बी था वो, क्योंकि ए सी डी को आपने सेलेक्ट लाइन ले लिया था, दैट्स व्हाई बी बार और बी। नाउ अब आप देखो इन सर्कल कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो आप ये देखोगे अपने आप से कि उतनी ही कॉलम्स बनेंगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उतनी ही कॉलम्स बनेंगी जितने इनपुट होंगे जो मक्स आपको गिवन है उसमें। तो अब मक्स आपको कौन सा गिवन है, 8 क्रॉस 1, तो कितने इनपुट होते हैं 8 क्रॉस 1 में, 8, तो 8 ही कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअल में हर एक कॉलम रिप्रेजेंट करती है एक इनपुट को, तो आपको इनपुट I0 से लेकर I7 तक लिख देना है, क्योंकि आपको पता है कि 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है और इनपुट का जो नोटेशन है वो क्या है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ऑल्दो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप ए बी सी डी ई एफ जी यूज कर सकते हो, एनीथिंग, बट जनरली हम मक्स में I0 I1 I2 I3 ऐसा लेते हैं। अब क्या करना है देखो, I0 ये दोनों रो का एडिशन, आपको बस एडिशन करते जाना है। तो देखो कैसे, यहां पर देखो सर्कल नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ भी सर्कल नहीं है मतलब जीरो। I1 में भी देखो कुछ भी सर्कल नहीं है मतलब जीरो। I2 में देखो दोनों सर्कल है, मतलब आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, देखो पहला सर्कल किसके रेस्पेक्ट में है, बी बार, दूसरा सर्कल बी, तो बी बार प्लस बी, क्योंकि दोनों में सर्कल है, बी बार प्लस बी कितना होता है, वन। I3 में देखो सिर्फ एक सर्कल है और वो सर्कल किसके रेस्पेक्ट में है, बी बार, तो सिर्फ बी बार। मतलब जब सिर्फ एक ही सर्कल होगा तो किसके रेस्पेक्ट में है उसको देख लो, जब दोनों सर्कल होगा तो दोनों ऐड कर दोगे तो बी बार प्लस बी कितना हो जाएगा, वन। जब दोनों में सर्कल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है मतलब जीरो।
अब देखो नेक्स्ट, फिर से दोनों में सर्कल है मतलब वन, फिर से दोनों में सर्कल है वन, दोनों में सर्कल नहीं है मीन्स जीरो, और लास्ट वाले में देखो 15 में, 15 के रेस्पेक्ट में क्या है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो अब अगर हम डायग्राम बना ले यहां पर 8x1 MUX, आउटपुट वाई, सेलेक्ट लाइन क्या क्या है ए सी डी, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I0 कितना है 0, I1 0, I2 1, I3 B बार, I4 1, I5 1, I6 0, I7 B। ये आपका कंप्लीट डिजाइनिंग हो गया। मीन्स Y क्या है, Y वो इक्वेशन है जो इस MUX से रिलाइज किया गया है, आप देख सकते हो ठीक है। तो रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप लास्ट क्लास की थ्योरी याद भी करोगे जो हमने 2x1 और 4x1 में पढ़ा था, वहां पर भी हम इनपुट ही निकालते थे, कोई एक वेरिएबल को सेलेक्ट लाइन लेते थे 2x1 के टाइम पे और निकालते थे I0 और I1 क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल था, स्टैंडर्ड इक्वेशन थे, तो हम बड़े आराम से पता लगा पाते थे देखकर। लेकिन यहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि आप देखकर बता पाओ कि I0 से I7 क्या लेना चाहिए, तो ये प्रोसेस होता है उस चीज का ठीक है। अच्छे से क्लियर है सबको, यहां पर मैं और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूं, यहां तक क्लियर है सबको ओके। नाउ सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आप समझ गए हो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम क्वेश्चन है बट अब आपको रिलाइज करना है 4x1 से, 4x1 तो 4x1 से अगर हमें रिलाइज करना है तो ऑब्वियस ही बात है कितनी सेलेक्ट लाइन होगी दो, तो सेलेक्ट लाइन आपको दिया है टेक एसी, एसी एज अ सेलेक्ट लाइंस, आपको ए और सी को सेलेक्ट लाइन की तरह यूज करने के लिए बोला गया है ठीक है। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर आपको सेलेक्ट लाइन एसी बोला गया है तो टोटल 4 वेरिएबल थे तो बी और डी बच गए, दैट मींस बी और डी आपके जाएंगे इनपुट में ठीक है। तो लास्ट 8x1 वाले टॉपिक में मैंने आपको क्या बोला कि जो इनपुट में जाएगा उसी की रोज बनानी है रो ठीक है ना। तो पिछली बार इनपुट में सिर्फ बी जा रहा था तो बी की दो रो बन गई क्योंकि बी एक सिंगल वेरिएबल था बी बार और बी, इस बार इनपुट में कौन कौन जा रहे हैं बी और डी, तो बी और डी चूंकि दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होंगे 4, तो 4 रो बनेगी बी बार डी बार बी बार डी बी डी बार बी डी ठीक है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1 क्लियर यहां तक। अब देखो आप अब ट्रूथ टेबल में जाएंगे, गिनती जो हमने लिखी है उस पर जाएंगे और ये देखेंगे कि B बार D बार दैट मीन्स B और D 0 0 कहां पर है, तो आप चेक करो देखो B और D दोनों 0 होना चाहिए ना, B बार D बार देखो 0 पर है फिर B और D, तो B और D फिर 2 पर है आपका दिख रहा है सबको, उसके बाद किस पे है चेक करो 0 2 देन 8 पर है आपका, आप चेक कर सकते हो 0 2 8 और फिर 10 पर है ठीक है। तो 0 2 8 10 आप भी चेक करो 0 2 8 10 पर B और D दोनों के दोनों 0 है। फिर देखो अगला क्या है B बार D, मतलब B 0 हो और D 1 हो, ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। तो देखो 1 है आपका, B 0 है D 1 है, 1 पे है, उसके बाद 3 पर है देखो 1 और 3 मिल गए अभी, उसके आगे ढूंढते हैं हम लोग अब बी 0 डी 1 यस देखो 9 पर है और 11 पर है 9 और 11। नाउ अगला कॉम्बिनेशन क्या है आपका बी डी बार, मतलब बी 1 हो डी 0 हो, बी 1 यस 4 मिल गया हमको, 4 और 6 ये दो तो मिल गए पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे आगे है 12 और 14
लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, बी इंटू डी, मतलब दोनों क्या हो, वन वन हो। देखते हैं अब इसमें कहां कहां है, बी भी वन हो और डी भी वन हो, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां पर सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, यस फाइव, एक तो आपका बन रहा है फाइव, एक बन रहा है सेवन, ठीक है, और एक आपका बन रहा है थर्टीन और एक आपका बन रहा है फिफ्टीन, ठीक है। तो ये सोलह कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिख दिए ना। अब आपका क्वेश्चन में जो देख लो कि कौन कौन से नंबर गिवन है, उन्हें आप सर्कल कर दो, टू थ्री सिक्स एट नाइन, टू थ्री सिक्स एट नाइन, आगे क्या है, ट्वेल्व थर्टीन और फिफ्टीन। तो फिर से वही सिचुएशन है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आप देखो कि आपको किस मक से डिजाइन करना है, फोर क्रॉस वन मक से, तो आपको फोर इनपुट चाहिए, तो जितने इनपुट चाहिए होंगे ना, आप देखना अपने आप ही उतनी रो बन जाएंगी, उतनी कॉलम बन जाएंगी, एक्चुअली वन टू थ्री फोर, आप देखो टोटल चार कॉलम ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई, आपने सोचा भी नहीं उसके बारे में कुछ भी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई आपकी। तो एक का नाम दोगे आई जीरो, एक का आई वन, एक का आई टू और एक का आई थ्री, क्लियर यहां तक। नाउ देखो फर्स्ट को, देखो फर्स्ट आई जीरो को कुछ भी सर्कल नहीं है, इसका मतलब जीरो, जब कुछ भी सर्कल ना हो ना तो डायरेक्टली आंसर लिख दो जीरो, ठीक है। और जब सिर्फ एक सर्कल हो, जब सिर्फ एक सर्कल हो जो आई थ्री में है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो मिल रहा है उसे लिख दो, क्या मिल रहा है, बीडी, क्योंकि आई थ्री में सिर्फ एक ही सर्कल था, ठीक है। तो आई जीरो कितना हो गया, आई जीरो हो गया जीरो, आई थ्री कितना हो गया, बीडी, क्लियर है अच्छे से। नाउ अगला देखो आई वन, आई वन में अब तीन सर्कल है, तो तीनों टर्म्स को ऐड करना है बस, और कुछ नहीं, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई वन को देखते हैं, पहला सर्कल है बी बार डी बार, तो बी बार डी बार को ऐड, प्लस दूसरा सर्कल क्या है, बी बार डी, तीसरा सर्कल क्या है हम लोगों का, बी डी बार। तो अब अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो आप देखो यहां पर स्टार्ट के दो से बी बार डी बार और बी बार डी से क्या कॉमन आ रहा है हम लोगों का, बी बार कॉमन आ रहा है, और हम सबको बताया जब बी बार कॉमन लेंगे तो डी बार प्लस डी कितना हो जाएगा, वन, तो कितना बचा ये, बी बार प्लस बी डी बार। अब पहली क्लास से हम एक चीज बार बार हर एक क्लास में पढ़ रहे हैं, वो है ट्रांसपोजिशन थ्योरम। तो फिर से देखो वन प्लस टू का फॉर्म आ गया, तो क्या होगा, बी बार प्लस बी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बी बार प्लस डी बार। तो कितना आ गया आई वन हमारा, बी बार प्लस बी वन हो गया, और बी बार प्लस डी बार को क्या लिख सकते हैं, बी डी का होल बार। तो सॉल्व हम कर सकते हैं, आई वन हमारा आ जाएगा बी डी का होल बार। नाउ बात करते हैं आई टू की, तो देखो आई टू में चारों के चारों सर्कल हैं, और याद करो जब चारों के चारों सर्कल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एसओपी फॉर्म में भी बताया था कि जब दो वेरिएबल के लिए सबके सब चीजें प्रेजेंट हो, या एक वेरिएबल के लिए भी सबका सब प्रेजेंट हो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वन, ठीक है। तो जब चारों के चारों सर्कल हो तो आंसर वन, जब चारों के चारों सर्कल ना हो तो आंसर जीरो, जब दो या तीन या एक सर्कल हो तब आप सॉल्व करो, एक भी सर्कल हो तब भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आंसर देख के लिख दो, जब स्पेशली दो या तीन सर्कल हो तब आप सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आपका बन गया आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री। अब अगर इसे आप डिजाइन कर लो तो सरेक लाइन क्या क्या थी हम लोगों की, ए और सी, आई जीरो कितना है जीरो, आई वन कितना है हमारा बी डी का होल बार, आई टू कितना है वन, आई थ्री कितना है हमारा बी डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका डिजाइन हो गया, अच्छे से क्लियर है ये भी, फोर क्रॉस वन। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मक्स छोटा होता चला जा रहा है, इनपुट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। अगर आप लास्ट एट क्रॉस वन को देखो
जो आपने सेम क्वेश्चन 8x1 से बनाया था, वहां पर आपको इनपुट में ज्यादा से ज्यादा बी का बी बार बनाना था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको बी इंटू डी मतलब एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा बी इंटू डी के लिए, बी इंटू डी का बार मतलब एक नैंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जितने आप मक्स का ऑर्डर कम करोगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट में बढ़ते चले जाएगी, ठीक है ना। इसी टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बट मक्स क्या है आपका यूजिंग 16x1। कोई बता सकता है इसको कैसे बनाएंगे 16x1 को कमेंट सेक्शन में। 16x1 ट्राई करो सबके सब। सेम क्वेश्चन है, देखो जिसने भी कमेंट किया है अभी, ठीक है वो देखो दो लोगों का कमेंट आ गया। अब इसका मतलब आपने थिंक ही नहीं किया, टॉपिक को समझने की कोशिश ही नहीं करी, अदरवाइज ये कमेंट नहीं करते आप। और जिसने टॉपिक को समझ लिया है वो ये बताओ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों ये कमेंट रिक्वायर्ड नहीं था सेलेक्ट लाइंस। अगर अब क्लियर हो गया है तो बताओ, ऑल विल बी सेलेक्ट लाइन, ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि 16x1 है, 16x1 है, कॉलम्स जितनी भी बने रोज जितनी भी बने उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे जो पहला बेसिक है किसी भी मल्टीप्लेक्सर का कि 16x1 है तो आपको 4 सेलेक्ट लाइन चाहिए, और चूंकि 4 ही वेरिएबल है तो सभी की सभी क्या होंगी सेलेक्ट लाइन होंगी, तो यह बताने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में, ठीक है नाउ अब बताओ क्या करना चाहिए। ये क्लियर हो गया सबको कि ए बी सी डी चारों के चारों सेलेक्ट लाइन होंगी। अब क्या करें नेक्स्ट, हम लोग कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे जो इनपुट्स हो सकता था जो वेरिएबल इनपुट्स की तरह बिहेव कर सकते थे मींस जो सेलेक्ट लाइन नहीं होते थे उनके लिए रोज बनाते थे, लेकिन यहां पर तो चारों के चारों सेलेक्ट लाइन है तो अब रो किसकी बनाए। या अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि जब सभी के सभी वेरिएबल इनपुट्स में यूज हो जाए तो इनपुट क्या होते हैं, याद करो इनपुट क्या हो सकते हैं बताओ। मींस I0 से लेकर I15 में आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो जब सभी के सभी वेरिएबल जो है वो सेलेक्ट लाइन में यूज हो चुके हैं। कॉन्स्टेंट्स, वेरी गुड, तो इनपुट्स आप दे सकते हो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था जब हमने 4x1 से एंड और ये सब रियलाइज किया था कि जब आपके सभी के सभी वेरिएबल इनपुट्स में यूज हो जाएं सेलेक्ट लाइन में यूज हो जाएं तो जो इनपुट्स होंगे वो ट्रुथ टेबल होंगे। तो ट्रुथ टेबल यहां पर क्या है, यहां पर है 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, यही तो होता है ना। आपका जो सिग्मा एम दिया है वो क्या है, वाई आपका आउटपुट है जो ए बी सी डी चार वेरिएबल पे डिपेंड करता है। सिग्मा एम का मतलब क्या होता है कि इस पोजीशन पर मतलब 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13 और 15 पर आपका आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रुथ टेबल आपको गिवन है, तो जहां जहां आपको 1 करना है वहां वहां 1 कर दो, जो जो नंबर एब्सेंट है वहां वहां क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, यही तो होता है एसओपी फॉर्म। तो कितना हो जाएगा 16x1 से आपका ए बी सी डी ऑल फोर्स विल बी सेलेक्ट लाइन, I0, 0, I1, 0, I2, 1, I3 भी 1, up to I15 भी क्या है आपका 1, आप देख सकते हो। तो बस आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। तो जब भी
आपका इनपुट कांस्टेंट होने वाला है, इसका मतलब जब भी सारे के सारे वेरिएबल आपके सेलेक्ट लाइन में यूज होने वाले हैं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। और एक बात, तीनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करके समझो, तीनों के तीनों क्वेश्चन को कंपेयर करो, क्योंकि आपका वाई सेम था तीनों के तीनों क्वेश्चन में, मैंने जानबूझ के वाई सेम लिया है ताकि आप ये जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। जब आपने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है, 8x4 1 वाला, तो 8x1 में आप देखो इनपुट या तो बी हो सकता था, बी बार, ठीक है, लेकिन जब आपने 4x1 वाला किया तो इनपुट्स आपके बीडी का बार, बीडी, थोड़े थोड़े और कॉम्प्लेक्स आने लगे। जब आपने 16x1 किया तो इनपुट्स बहुत इजी आए आपके, 0 या 1। जब इनपुट में कोई वेरिएबल ना आ रहा हो ना तो बहुत इजी हो जाता है इनपुट को जनरेट करना, क्योंकि 0 या 1 जनरेट करना है। तो आप समझ सकते हो 4x1 में इनपुट जनरेट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, 8x1 में थोड़ा कम डिफिकल्ट हुआ, 16x1 में बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप मक्स का ऑर्डर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपका रियलाइजेशन जो है वो इजी होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से सबको? तो ये आपका पूरा कंसेप्ट होता है रियलाइजेशन ऑफ बुलियन इक्वेशन बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हर साल इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते ही हो। अब इसके बाद जो हमें डीमक्स पढ़ना है, मक्स पढ़ लेने के बाद वो बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक हो जाता है। एक तो डीमक्स का मल्टीप्लेक्सर जैसा बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि डीमक्स का जो मेन यूज आप पढ़ते हो वो डिकोडर में पढ़ते हो, ठीक है। तो डीमक्स अब बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है ऑलमोस्ट, आपको ज्यादा कुछ थिंक नहीं करना पड़ेगा यहां पर। तो अगला हेडिंग डालो अब डीमक्स। डीमक्स बेसिकली आपको अपोजिट टास्क परफॉर्म करना है डीमक्स में। डीमक्स में आपको करना क्या है कि आपके जो इनपुट्स होंगे वो सिर्फ वन होंगे और जो आपके आउटपुट होंगे वो आपका मोर देन वन होंगे। जैसे ये 1x4 का एग्जांपल मैंने बना दिया, सेलेक्ट लाइन फिर से दो होंगी, 1x2 का बना दूं तो 1 इनपुट 2 आउटपुट्स, सेलेक्ट लाइन 1 होगी आपकी, ठीक है। तो डीमक्स है क्या बेसिकली, आपका मक्स का जस्ट रिवर्स ऑपरेशन। तो यहां पर करना क्या है या डीमक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखो डीमक्स को हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, एज इट डिस्ट्रीब्यूट्स द इनपुट डेटा अमंग द सेवरल आउटपुट्स, ठीक है। डीमक्स को हम क्या बोलते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। आप देख सकते हो एक इनपुट डेटा है और सेवरल आउटपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो, ठीक है। अब देखो यहां पर सेलेक्ट लाइन का जो कंसेप्ट होगा बिल्कुल सेम होगा, 1x4 है मतलब 2 सेलेक्ट लाइन, 1x2 है मतलब 1 सेलेक्ट लाइन, 1x8 मींस 3 सेलेक्ट लाइन। अब यहां पर अगर आप समझोगे 1x2 का पहले अगर मैं ट्रुथ टेबल बना लूं, तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो ट्रुथ टेबल बनेगा इन केस ऑफ मक्स वो बनेगा सेलेक्ट लाइन वर्सेस आउटपुट, यहां पर भी सेम है। डी मक्स में भी जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो बनेगा सेलेक्ट लाइन वर्सेस आउटपुट। तो यहां पर अगर हम देखें तो सेलेक्ट लाइन एक सिंगल सेलेक्ट लाइन होगी आपकी, 1x2 की अगर बात करें, और दो आपके आउटपुट्स होंगे, तो आउटपुट्स का नाम हम दे देते हैं y1 और y0, ठीक है। अब अगर आप समझो सेलेक्ट लाइन चूंकि एक है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब यहां पर होता क्या है, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि ये जो एक सिंगल इनपुट है आई, इनपुट सिर्फ एक होगा आई, वो आई इनपुट किस वाले आउटपुट को मिलेगा, ठीक है। तो मान लो 0 पर मैं ले रहा हूं कि y0 को मिल रहा है आई, ऑब्वियस सी बात है जब सिर्फ एक इनपुट था, एक को मिल गया तो दूसरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब 0। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर s इक्वल टू 1 की, तो मान लो मैंने मान लिया y1 को मिलेगा आई, तो y0 को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। क्लियर है अच्छे से? तो
पिछली बार जैसे या मल्टीप्लेक्सर में जैसे आपके एक आउटपुट होते थे, वैसे यहां पर आपके एक से ज्यादा आउटपुट्स होते हैं। तो यहां पर आपको हर एक आउटपुट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं y1 की, तो जैसा मैंने आपको मक्स में सिखाया था इक्वेशन लिखना, एग्जैक्टली सेम लिखना है कि इनपुट हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में होगा और करस्पॉन्डिंग आउटपुट से आपको मल्टीप्लाई करना है एज इट इज। तो जब आप y1 का इक्वेशन लिख रहे हो तो y0 को बिल्कुल मत देखो, y1 और y0 दो सेपरेट आउटपुट हैं। जब आप y1 का इक्वेशन लिख रहे हो तब भी सिर्फ s वाले को देखो और y1 को देखो, जब आप y0 का भी लिख रहे हो तब भी सिर्फ y0 को देखो और s को देखो। तो y1 का इक्वेशन देखो, पहला जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, i। तो मैंने क्या बोला था, इनपुट को वेरिएबल के फॉर्म में, इनपुट क्या है 1, मतलब s इंटू आई, क्या हो जाएगा आपका s इंटू आई, चूंकि 1 था इसलिए s, करस्पॉन्डिंग आउटपुट से एज इट इज मल्टीप्लाई। नाउ y जीरो की बात करें तो एक i है और एक जीरो है, तो i वाला देखोगे तो क्या है s, जीरो मतलब s बार, तो यहां पर क्या लिखोगे, s बार इंटू आई। क्लियर है अच्छे से ये? तो यहां पर ट्रुथ टेबल लिखना और भी ज्यादा इजी है, ट्रुथ टेबल को देखकर इक्वेशन लिखना, ठीक है ना। जैसे अगर आप 1x4 का एग्जांपल लेते हो तो s एक सेलेक्ट लाइन हो गई s1 और एक हो गई आपकी s0, यहां पर आउटपुट्स कितने हो जाएंगे, y3 y2 y1 और y0, फोर आउटपुट्स हैं आपके। सेलेक्ट लाइन 0001 1011, मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूं, ट्रूथ टेबल को देख लो 1x4 को, यहां पर 00 में एक कॉम्बिनेशन है 00 सेलेक्ट लाइन का, तो सपोज करो 00 में y 0 को मिल रहा है i, तो बाकी सबको क्या मिलेगा 0। 01 में सपोज करो y1 को मिल रहा है i, तो बाकी सबको क्या मिलेगा 0, क्योंकि इनपुट जो है ना किसी एक आउटपुट को ही मिलेगा एक कॉम्बिनेशन के लिए, ये पॉइंट ध्यान में रखना। 10 में मान लो y2 को मिल रहा है, आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हो, जनरली मैं गिनती के बेस पे डिजाइन कर रहा हूं, 10 मतलब 2 होता है ना, तो y2 को दे दो, ठीक है। 11 मतलब क्या होता है, 3 होता है, तो y3 को दे दो, तो i 000। अब देखो आपको y3 का इक्वेशन लिखना है तो सिर्फ y3 को देखो, 000 लिखने की जरूरत नहीं है i, तो i के रेस्पेक्ट में s1 s0 क्या है 11, तो क्या लिखोगे s1 s0 इनटू करस्पोंडिंग आउटपुट। y2 देखो 00 i0, तो i वाला देखो, s1 क्या है 1, s0 क्या है 0, तो s1 s0 बार इनटू i, y1 s1 बार s0 i, y0 s1 बार s0 बार इंटू i, ठीक है। तो इस तरीके से आप आउटपुट्स के इक्वेशन लिख सकते हो, सिंपल आपको गिनती आनी चाहिए, y3 ना, 3 क्या होता है 11, तो s1 s0 इंटू करस्पॉन्डिंग आउटपुट, करस्पॉन्डिंग आउटपुट सब में आई है। y2 क्या होता है 10, s1 s0 बार, इस तरीके से आप लिखो। नाउ यहां पर एक और आप नाम दे सकते हो डी मल्टीप्लेक्सर को, वो क्या है, वो है आपका कि इनपुट जो है यहां पर एक है और आउटपुट मोर देन वन है, तो आप डी मल्टीप्लेक्सर को बोल सकते हो सीरियल टू पैरलर। हमने मल्टीप्लेक्सर को क्या बोला था लास्ट क्लास में, पैरलर टू सीरियल, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में एक से ज्यादा इनपुट और एक आउटपुट होता था, तो ये जस्ट अपोजिट है, सीरियल टू पैरलर। नाउ डी मल्टीप्लेक्सर में भी आपको एक कंसेप्ट पढ़ना होता है जो सेम है मक्स के जैसे, वो है हायर ऑर्डर डी मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डी मक्स। हायर ऑर्डर डी मक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डी मक्स बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, आप एक ही एग्जांपल से समझ जाओगे कि क्यों बिल्कुल सेम है। 4x1 यूजिंग 2x1, ये हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। यहां पर मैं ले रहा हूं 1x4 यूजिंग 1x2,
अब आप देखो हमें बनाना क्या है, 1x4, ठीक है, हमारे पास है क्या 1x2, तो जो है पहले उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 1x2, तो मैं कुछ नेमिंग नहीं कर रहा, नॉर्मली बस एक इनपुट दो आउटपुट। देखो हमारे पास 1x2 है, हमें बनाना है 1x4, तो जो हमें बनाना है 1x4 उसमें कितनी इनपुट लाइन होनी चाहिए, सिर्फ एक। बनाना जो है 1x4 है उसमें सिर्फ वन इनपुट लाइन होनी चाहिए, तो वो है वन, मतलब इनिशियली वन ही होना चाहिए था, तो हम इनिशियल स्टेज में एक से ज्यादा नहीं ले सकते। अब 1x2 से हमें क्या मिला, टू आउटपुट लाइन मिली, लेकिन टोटल आउटपुट लाइन होनी कितनी चाहिए थी, फोर, क्योंकि हमें बनाना है 1x4। तो देखो आपको इन टू लाइंस को फोर लाइन में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा आप माइंड लगा सकते हो कि 1x2 जो आपके पास है वो क्या कर रहा है, एक का दो, सिंपल सा लॉजिक, 1x2 कर रहा है, तो बस 1x2 कितने हो गए आपके, 1 2 3 4, फिनिश, क्लियर है। तो अगर आप इस डायग्राम को कंपेयर करो अपने मल्टीप्लेक्सर वाले डायग्राम से, जहां हमने 4x1 बनाया था यूजिंग 2x1, जस्ट उल्टा ये डायग्राम, देखो इसको पलट दो ऐसे करके, सेम डायग्राम आ जाएगा जो मल्टीप्लेक्सर का था। तो ट्रिक भी आपकी सेम है, यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, 4x2 कितना हो जाएगा 2, देन 2x2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 3। तो बिल्कुल सेम टॉपिक है, क्लियर है सबको अच्छे से। तो बेसिकली डीमक्स में हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, जैसा मैंने आपको बोला डीमक्स का जो मेन थिंग है, जो मेन टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं डिकोडर में, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लेक्सर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन डीमक्स का आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डिकोडर, काफी लेंथी टॉपिक है जैसा आपका मक्स था, बट उसको स्टडी करने से पहले नेक्स्ट डिकोडर ही नहीं, अब कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना है, डिकोडर इनकोडर देन पूरा का पूरा सिक्वेंशियल जिसमें आप फ्लिप फ्लॉप काउंटर्स वगैरह पढ़ोगे, सबके लिए अब आपको के मैप की रिक्वायरमेंट होगी, बिना के मैप के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए मैंने के मैप को अभी तक रोक के रखा हुआ था कि जहां से रिक्वायरमेंट स्टार्ट होगी वहीं पे मैं आपको टीच करूंगा, ठीक है। तो अभी हम सारे टॉपिक को स्टॉप करेंगे और के मैप सबसे पहले स्टडी करेंगे। के मैप आपके 90% क्वेश्चन में जो एग्जाम में आते हैं कैलकुलेशन में काम आता है, आउटपुट के कैलकुलेशन में, आउटपुट को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। इसके अलावा के मैप से इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक प्राइम इंप्लीकेंट्स, तो मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। स्टार्ट मैं बेसिक से लूंगा, बेसिक इन द सेंस जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा वो समझ लो अच्छे से कि के मैप में कैसे सर्कल वगैरह बनाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको प्राइम इंप्लीकेंट्स, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, इवन दो मैं आपको 5 वेरिएबल के मैप भी बताऊंगा, ठीक है। तो काफी डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगा के मैप। तो यहां पर सबसे पहले के मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपको एक बेसिक थिंग पता होनी चाहिए वो ये है कि के मैप में आप ग्रे कोड यूज करते हो। देखो जो ग्रे कोड है या कोई भी कोड है वो हम जब नंबर सिस्टम और कोडिंग पढ़ेंगे लास्ट में, तब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी की सारी चीजें, लेकिन अभी फिलहाल के लिए के मैप में आपका ग्रे कोड यूज होता है। तो बेसिकली ये ग्रे कोड है क्या और कितना यूज करना है हमें, तो यहां पर सिर्फ आपको 2 वेरिएबल का ग्रे कोड चाहिए। ऑल्दो मैं आपको 4 वेरिएबल तक पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 वेरिएबल का ग्रे कोड का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो अगर 2 वेरिएबल की बात करते हो तो 2 वेरिएबल की जो नॉर्मल काउंटिंग होती है जो हमें आई थिंक सबको आती होगी, अब 0001 1011, ये नॉर्मल काउंटिंग होती है। ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड वो होता है कि जब आप एक कोड वर्ड से दूसरे कोड वर्ड में जाओ तो ओनली 1 बिट चेंज हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 00 से जब आप 01 गए
00 से 01, तो 0 से 0 गए कितना चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं, 0 से 1 गए कितना चेंज हुआ, 1 बिट चेंज, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आप 00 के बाद 01 लिख सकते हो। ग्रे कोड की बात कर रहा हूं अब मैं, नॉर्मल गिनती की बात नहीं कर रहा, पर चाहे नॉर्मल गिनती हो चाहे ग्रे कोड हो, दो वेरिएबल के लिए कॉम्बिनेशन तो चार ही होंगे और वो सेम होंगे 00011011, सिर्फ उनका सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है। अब देखो 01 के बाद 10, 0 से 1 गए कितना बिट चेंज, 1 बिट, 1 से 0 गए और एक बिट चेंज हो गया, मतलब 2 बिट चेंज हो गया, मतलब ग्रे कोड में ये अलाउड नहीं है, ये सीक्वेंस अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब 01 के बाद आप 10 नहीं लिख सकते, तो बचा कौन सा 11, उसको लिख के देख लो, 0 से 1 गए कितना चेंज हुआ, 1 बिट, 1 से 1 गए कोई बिट चेंज नहीं, मतलब टोटल 1 बिट चेंज था, करेक्ट है, लिख सकते हैं। अब जो बच गया उसको लिख देते हैं, 1 से 1 गए कोई चेंज नहीं, 1 से 0 गए 1 बिट चेंज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये होता है आपका ग्रे कोड, ग्रे कोड होता है 00011110, क्लियर है सबको ग्रे कोड टू वेरिएबल का। नाउ यही ग्रे कोड हमें यूज करना है के मैप में, ठीक है, सिर्फ टू वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वन वेरिएबल की भी रिक्वायरमेंट होगी, बट वन वेरिएबल मतलब क्या होता है, जीरो और वन, तो वो तो सेम ही रहेगा, जीरो से वन गए एक ही बिट चेंज हो रहा है, तो मेन आपको टू वेरिएबल जानना था। सबको क्लियर हो गया? नाउ यहां पर ग्रे कोड को लिख लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टडी करेंगे एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म में के मैप, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में के मैप, ठीक है, आपको फोकस भी एसओपी फॉर्म में ही रखना है, पीओएस का अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप पाई एम को सिग्मा एम में कन्वर्ट करके बना सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको पीओएस फॉर्म भी स्टडी करवाऊंगा। तो एसओपी फॉर्म में सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूं, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, बेसिक जस्ट मैं आपको थोड़े टाइम के लिए बताऊंगा, फिर मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको। अब देखो टू वेरिएबल मींस टू की पावर टू, टू वेरिएबल में कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, फोर, तो जितने कॉम्बिनेशन होंगे ना उतने बॉक्सेस, थ्री वेरिएबल में एट, तो एट बॉक्सेस, फोर वेरिएबल में 16, तो 16 बॉक्सेस, ठीक है। अब आप देखो, मान लो टू वेरिएबल है ए और बी, थ्री वेरिएबल है मान लो ए बी सी, फोर वेरिएबल है ए बी सी डी, तो मैं यहां दो चीजें क्लियर कर दूं आपको, पहला कि मैं हमेशा एमएसबी वाले वेरिएबल को, एमएसबी का मतलब क्या है, मान लो जैसे आपको वाई दिया है ऐसा ए बी सी डी सिग्मा एम कुछ दिया हुआ है आपको, तो मैं हमेशा एमएसबी वाले वेरिएबल जो कि ए है फिर बी है फिर सी है और डी क्या है एलएसबी, तो मैं एमएसबी वाले वेरिएबल को हमेशा इधर लूंगा, एलएसबी को उधर। जब 2-2 या 1-1 में डिवाइड हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, जैसे 3 वेरिएबल में था ए बी सी, तो मैं 1 वेरिएबल इस तरफ लूंगा 2 उस तरफ लूंगा। बुक में बहुत सारी बुक्स पे आप देखोगे 2 इस तरफ लेता है 1 इस तरफ लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसको फॉलो करो ठीक है ना, लास्ट तक उसी को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो यहां पर अब क्या है आपका जो वेरिएबल ए है, वेरिएबल ए है वो 0 हो सकता है या 1, वेरिएबल बी भी 0 हो सकता है या 1, सेम वैसी 01 बी सी है 00011110, यही इंपॉर्टेंट थिंग थी, जब दो वेरिएबल हो एक साथ तो फिर ग्रे कोड, 1 वेरिएबल में भी ग्रे कोड ही है, 0 से 1 गए 1 बिट चेंज, फिर से यहां से ए बी 00011110 00011110, ठीक है। अब आप देखो बॉक्सेस की नंबरिंग करनी है, तो 00 क्या होता है 0, ठीक है ना, पहले इधर वाले को लेना है फिर इधर वाले को, 01 इस बॉक्स में क्या हो जाएगा 1, 10 कितना होता है 2, 11 कितना होता है 3, ठीक है। इसको देखो अब इस बॉक्स को 00 00 00 1 1 0 1 1 3 0 1 0 2
100, 4, 101, 5, फिर 7, फिर 6, इस तरह से आप गिनती लिख सकते हो बॉक्सेस की. 0, 0, 0, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, फिर देखो 1100 है तो 12, 13, 15, 14, फिर 1000, 8, 9, 11, 10. तो इस तरह से आप काउंटिंग शो कर दोगे. आई थिंक बहुत लोगों को पता होगी पहले से, लेकिन स्टिल मैंने आपको सब कुछ यहां शो कर दिया है. नाउ यहां पर वेरिएबल्स 0, 1 हो सकते हैं, बट वेरिएबल के नाम आप लिख लो. 0 मतलब क्या होगा, एसओपी फॉर्म में पढ़ रहे हो ए बार, 1 मतलब ए, सिमिलरली बी बार और बी, ए बार ए, 0, 0 बी बार सी बार, बी बार सी, बीसी, बीसी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार. ठीक है, अगर आप वन थिंग ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो फोर वेरिएबल वाला के मैप है, स्पेशली उसमें आप देखो कि थर्ड रो में भी चेंजेस है और थर्ड कॉलम में भी चेंजेस है. आप देख लो थर्ड कॉलम में 0, 1 फिर 3, 2 हो गया, 4, 5 फिर 7, 6 हो गया, 8, 9 फिर 11, 12, 12, 13 फिर 15, 14. वैसी सेम थर्ड रो में 4, 5, 7, 6 के बाद 12, 13, 15, 14 आया, फिर 8, 9, 11, 10 आया. ठीक है, नाउ यहां पर अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं मेन टॉपिक की तरफ मूव कर जाऊंगा. तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, वाई ए कॉमा बी कॉमा सी सिग्मा एम 0, 2 4, 5 0, 2, 4, 5. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी. ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, 3 वेरिएबल है तो आपको इसको अगर मिनिमाइज करना है तो 3 वेरिएबल का के मैप यूज करना होगा. तो 3 वेरिएबल का अगर आपको के मैप यूज करना है तो आप यहां ड्रॉ कर लो जैसा यहां पर ड्रॉ है ऑलरेडी. अब देख लो सिग्मा एम है तो जहां जहां नंबर है आपका 0, 2, 4, 5 वहां वहां पर आपको 1 लिखना है. तो 0 पे 1, 2 पे 1, 4 पे 1 और 5 पे 1. अब आपको सर्कल बनाने हैं. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी आपके लिए कि आपको सर्कल इस तरीके से बनाने हैं कि इक्वेशन की जो लेंथ हो वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स भी बहुत कम हो और हर एक टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल भी बहुत कम हो, क्योंकि आपका टारगेट ही मिनिमाइज करने का है. तो जिनको आता है, आई थिंक बहुत लोगों को आता होगा, तो बता सकते हो कि कौन कौन से नंबर को मैं सर्कल करूंगा. ये 0, 2, 4, 5 पे जो मैंने बनाया है आप नंबर वाइज बोल दो. आई थिंक ये पता होगा ना कि 1, 1 को सर्कल कर सकते हैं, 2, 1 को कर सकते हैं, 4, 1 को कर सकते हैं, 8, 1 को कर सकते हैं, 16, 1 को कर सकते हैं, 3, 1 को नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते, 6 को नहीं कर सकते. ठीक है, नंबर ऑफ वंस कितने हो सकते हैं, 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से. तो किसको किसको सर्कल करना चाहिए, ओके 0 एंड 2. तो अगर 0 एंड 2 को करते हो और अगला सर्कल किसको करना चाहिए, 4 एंड 5. ठीक है, 0, 2, 4, 5. क्यों, जिनको नहीं पता है वो इस बात को समझ लो कि वंस जो होने चाहिए एक के बाद एक होने चाहिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों चल जाएगा. आपका कभी भी डायगोनली नहीं होना चाहिए, डायगोनली आप कभी भी नहीं कर सकते. वन मोर थिंग, के मैप जो होता है आपका रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी हमेशा सर्कल बनाता है. सर्कल बनाता है इसका क्या मतलब है कि लास्ट कॉलम के बाद हमेशा वापस से फर्स्ट कॉलम आएगी. तो इसका मतलब लास्ट लास्ट के आप कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट को आप कर सकते हो. उसी तरीके से लास्ट रो के बाद हमेशा से फर्स्ट रो आएगी. तो
अगर कोई यहां पर है और कोई यहां पर है तो उनको आप सर्कल कर सकते हो। इसी कारण हमने 0 और 2 को क्या किया, सर्कल। अब यहां पर आप देख सकते हो आंसर, आंसर जैसे देखो 0 और 2 में देखो कौन कौन सा कॉमन है, रो वाइज भी कॉमन देखो, रो वाइज क्या कॉमन है, ए बार। कॉलम वाइज देखो, कॉलम वाइज क्या कॉमन है आपका, सी बार। ठीक है, अब देखो 4, 5 में, 4, 5 में रो वाइज क्या कॉमन है, ए, और कॉलम वाइज क्या कॉमन है आपका, बी बार। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एसओपी फॉर्म में। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो 4 वेरिएबल का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर। मैं यहां क्वेश्चन को वापस से लिख देता हूं, सिग्मा एम 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 और 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 4 वेरिएबल का। तो अगेन वही प्रोसेस है, जहां जहां नंबर है वहां वहां 1 लिख दो। तो 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 और 15। ठीक है, तो अब आप बताओ किसको किसको सर्कल करना चाहिए। मैं कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। अब आप बताओ किसको किसको सर्कल करना चाहिए, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 15 और 8 भी है, और आपका टोटल कितना हो गया, 3, 3, 6, 2, 8, 8 वंस हैं आपके टोटल। ठीक है, तो आपको तब तक सर्कल करते रहना होता है जब तक सारे के सारे 1 एटलीस्ट एक बार कवर ना हो जाए। तो बताओ किसको किसको सर्कल करना चाहिए, एक तो 2 और 3 को कर सकते हैं, ठीक है, एक आप कर सकते हो 8 और 12 को, क्लियर है, और किसको कर सकते हैं अब हम लोग, एक देखो 4 और 12 को भी कर सकते हो, ठीक है, और एक आप कर सकते हो 13, 15 को, और एक 7, 15 को, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि जब आप सर्कल कर रहे हो तो आपको तब तक सर्कल करना है जब तक सारे 1 सर्कल ना हो जाए एटलीस्ट एक बार। लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर कोई 1 एक से ज्यादा बार भी सर्कल हो रहा है तो होने दो। क्यों? क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है, मान लो आपने 13, 15 पहले सर्कल कर दिया था और आपका 7 रह गया है जिसको सर्कल करना है, तो अगर आप 7 को अकेले सर्कल करोगे तो आंसर क्या होगा, ए बार बी सी डी, रो वाइज क्या आएगा, ए बार बी, कॉलम वाइज क्या आएगा, सी डी। लेकिन अगर आप 7 और 15 दोनों को एक साथ करोगे तो रो वाइज क्या कॉमन आएगा, बी, और कॉलम वाइज क्या कॉमन आएगा, सी इंटू डी। तो आप देख सकते हो जब अकेले सर्कल करोगे तो 4 वेरिएबल आ जाएंगे आंसर में, लेकिन जब 2 1 को करोगे तो 3 वेरिएबल आएंगे आंसर में। इसका मीनिंग क्या है कि आपको हमेशा जो सर्कल है वो बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। जितना बड़ा सर्कल आप बनाओगे, जितना बड़ा सर्कल आप बनाओगे उतने कम वेरिएबल आएंगे करस्पॉन्डिंग टर्म में, ठीक है। और सेकेंड चीज, कम से कम सर्कल बनाने हैं, क्योंकि जितने सर्कल बनाओगे उतने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो मैं दोनों चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। क्यों? जितना बड़ा सर्कल होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा 1 कवर करोगे आप करस्पॉन्डिंग टर्म में, उस सर्कल के रेस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग टर्म आप लिखोगे उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल उतने ही कम होंगे। और जितने कम से कम सर्कल बनाओगे उतने कम से कम टर्म होंगे, क्योंकि हर एक सर्कल के रेस्पेक्ट में आपको एक टर्म लिखना है, ठीक है। तो यहां पर जब आप टर्म लिखने जाओगे, आउटपुट y लिखोगे तो क्या लिखोगे, रो वाइज क्या कॉमन है फॉर 3, 2, ए बार बी बार, और कॉलम वाइज क्या कॉमन है, कॉलम वाइज कॉमन है c। अगर आप 4, 12 का देखते हो तो b c बार d बार, 11, 10 का देखो तो a c बार d बार, 13, 15 का देखें तो ए बी डी,
और 715 का देखें तो बीसीडी, तो आप देख सकते हो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल थे. ओके, कैन वी कवर 3 1s इन वन सर्कल? नो. जैसा मैंने आपको बोला, नंबर ऑफ वन जो आप कवर कर सकते हो वो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8, मतलब 2 की पावर में. 2 की पावर 0 कितना होता है? 1. मतलब आप 1 1 को इन सर्कल कर सकते हो. 2 की पावर 1 2, 2 1 को इन सर्कल कर सकते हो. 2 की पावर 2 4, तो 4 1 को इन सर्कल कर सकते हो. 2 की पावर 3 8, इस तरीके से आप इन सर्कल करते हो. क्लियर? नाउ यहां पर ये तो हमने आंसर लिख लिया, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको और क्लियर करवाना चाहूंगा अभी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. देखो, इट्स ऑलवेज इवन, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है. क्यों? आप 6 1 को भी इन सर्कल नहीं कर सकते, 6 आपका इवन है. हमेशा 2 की पावर में याद रखो. 1 1 1 भी आपका इवन नहीं है, 1 ऑड है, लेकिन आप फिर भी 1 1 को इन सर्कल कर सकते हो. ठीक है, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे आप इन सर्कल कर सकते हो. अब यहां पर कुछ पॉइंट्स और हैं मेरे, जैसे कि अगर आपका 4 1 4 1 अगर आपके कॉर्नर्स में हो, तो क्या आप उन्हें इन सर्कल कर सकते हो चारों को एक साथ? ये मेरा पॉइंट है. कोई बता सकता है आंसर कि अगर आपके 4 1s जो हैं वो कॉर्नर में हैं, तो क्या आप चारों के चारों 1 को इन सर्कल कर सकते हो कि नहीं? कुछ पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं. यस, कर सकते हैं. गुड. क्यों? मैंने क्या बोला आपको? क्योंकि के मैप जो है वो रो वाइज भी बनाता है सर्कल और कॉलम वाइज भी बनाता है सर्कल. तो लास्ट कॉलम के बाद फिर से फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो के बाद फिर से फर्स्ट. ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. तो आंसर इसके रेस्पेक्ट में क्या लिख सकते थे आप? बी बार और डी बार. ठीक है, बी बार और डी बार जो कॉमन था. ठीक है, एक और पॉइंट है मेरा जो आपको बताना है अभी. मान लो अगर ये 8 1 को मैं इन सर्कल करता, सेपरेट क्वेश्चन लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं 8 1 को इन सर्कल करता तो आंसर क्या आता मेरा? सिर्फ और सिर्फ बी आता. ठीक है, सबको पता है रो वाइज कॉमन क्या आ रहा है? बी. कॉलम वाइज कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. ठीक है, जब मैंने 2 1s को इन सर्कल किया तो आंसर क्या आया? ए बार, बी बार, डी. तो ये जो मैं कंसेप्ट अभी आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर आप एक क्वेश्चन का आंसर करना सबके सब. देखो, जब मैंने 2 1 को इन सर्कल किया, 2 1 को, तो आंसर में आए 3 वेरिएबल्स. जब मैंने 4 1s को किया तो आंसर में आए 2 वेरिएबल्स. जब मैंने 8 1 को किया तो आंसर में आए 1 वेरिएबल. टोटल वेरिएबल कितने थे? 4, क्योंकि के मैप हमने 4 वेरिएबल का ही बनाया है. ए बी सी डी टोटल 4 वेरिएबल थे. ठीक है, तो टोटल वेरिएबल जो थे हमारे वो कितने थे? 4. अब जब मैंने 2 वेरिएबल्स को, सॉरी 2 1s को, 2 1s को इन सर्कल किया तो आंसर में करस्पॉन्डिंग टर्म में टोटल वेरिएबल कितने आए? 3. जब मैंने 4 1s को इन सर्कल किया तो टोटल वेरिएबल कितने आए? 2. जब मैंने 8 1s को इन सर्कल किया तो टोटल वेरिएबल आंसर में कितने बचे? 1, करस्पॉन्डिंग टर्म में. ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है मेरे पास आपके लिए. देखो, टोटल वेरिएबल अगर आपके m है, जो कि यहां पर 4 थे. ठीक है, टोटल वेरिएबल अगर आपके m है तो अगर आप 2 की पावर 1, 2 की पावर n 1s को इन सर्कल करते हो,
ठीक है, इफ यू इनसर्कल 2 की पावर n वंस देन n वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अगर टोटल वेरिएबल m है, अगर आप 2 की पावर n वंस को इनसर्कल करते हो देन n वेरिएबल्स विल बी एलिमिनेटेड एंड इन आंसर m माइनस n वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट। आंसर मतलब जो सर्कल के रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग टर्म होगा, आंसर में तो बहुत सारे टर्म होंगे, मैं उस करस्पॉन्डिंग टर्म की बात कर रहा हूं यहां पर। तो देखो रिलेट करने की कोशिश करते हैं, टोटल वेरिएबल m थे मतलब 4 थे, जब आपने 2 वंस को इनसर्कल किया तो 2 की पावर 1 1 को इनसर्कल किया, एक्चुअल में 2 की पावर 1 इज 2 ना, तो आपका 2 की पावर 1 मतलब 1 वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और आंसर में टोटल 3 वेरिएबल बचे, देख सकते हो आप। जब आपने 4 वंस को इनसर्कल किया, चारों कॉर्नर को जब आपने इनसर्कल किया था तो आंसर क्या आया था, बी बार डी बार, 4 1 को इनसर्कल किया मतलब 2 की पावर 2 को, तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हुए और 2 वेरिएबल बच गए। जब आपने 8 1 को इनसर्कल किया, 8 तो आंसर क्या आया, बी मतलब 2 की पावर 3, 8 मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, तो 3 वेरिएबल्स एलिमिनेट हो गए और सिर्फ कितना आंसर में आया, 1 वेरिएबल। कंसेप्ट क्लियर है, देख लो यहां पर 2 की पावर n को इनसर्कल करो, 2 की पावर n वंस को, तो जो भी 2 की पावर में है n वो क्या हो जाएगा, उतने वेरिएबल क्या हो जाएंगे, एलिमिनेटेड। तो जितने एलिमिनेट हो गए उनको टोटल से माइनस कर दो, उतने आपके आंसर में बच जाएंगे। अच्छे से रिलेट कर लो, देखो कोई डाउट है क्या, क्लियर है कि कैसे आपके n वेरिएबल एलिमिनेट होंगे और कैसे m माइनस n वेरिएबल बचेंगे। तो अगर क्लियर है सबको तो एक क्वेश्चन, m और n का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, जितने आप इनसर्कल कर रहे हो, मतलब जैसे अगर आप 2 1 इनसर्कल कर रहे हो तो 2 1 मतलब 2 की पावर 1, तो 1 वेरिएबल विल बी एलिमिनेटेड, चाहे m कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, चाहे आपका 10 वेरिएबल के मैप हो, 20 वेरिएबल के मैप हो, उस बात से मतलब नहीं है। जब भी आप 2 की पावर 1 1 को इनसर्कल करोगे मतलब 2 1 को, तो 1 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, तो जितना एलिमिनेट हो रहा है उसको m से माइनस कर दो, उतना आंसर में बच जाएगा। जब आप 2 की पावर 2 वंस को इनसर्कल करोगे मतलब 4 वंस को, तो आपका 2 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, 8 वंस को इनसर्कल करोगे तो 2 की पावर 3 मतलब 3 वेरिएबल एलिमिनेट होगा। क्लियर है अच्छे से, ओके बस एक क्वेश्चन का आंसर करो पहले, इसी से रिलेटेड है। इन अ 20 वेरिएबल के मैप, देखो ये समझ रहे होगे आप कि आप 20 वेरिएबल के मैप कभी बना नहीं सकते, इसलिए ये कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। इन अ 20 वेरिएबल, इन अ 20 वेरिएबल के मैप, इन अ 20 वेरिएबल के मैप इफ वी इन सर्कल 512 वंस, इन अ 20 वेरिएबल के मैप इफ वी इन सर्कल 512 वंस एट वन टाइम देन हाउ मैनी वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट इन द करस्पॉन्डिंग टर्म, इन द करस्पॉन्डिंग आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन अ 20 वेरिएबल के मैप इफ वी इन सर्कल 512 वंस एट वन टाइम देन हाउ मैनी वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट इन द करस्पॉन्डिंग आंसर टर्म, ठीक है, कोई बता सकता है। अगर समझ गए हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 20 वेरिएबल का के मैप नहीं बना सकते हो। वेरी गुड, 11 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला,
512 वंस को इनसर्कल कर रहे हो, मतलब 2 की पावर 9, तो जो 2 की पावर 9 आ गया मतलब 9 वेरिएबल क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। टोटल क्या था आपका 20 वेरिएबल, तो कितने बचेंगे 11। वेरी गुड, सबको क्लियर है अच्छे से। ओके, यहां पर एक और क्वेश्चन जो डाउट है कि व्हाई वी आर यूजिंग ग्रे कोड। देखो आप अगर अपने जो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल के स्ट्रक्चर को देखोगे, आप 4 वेरिएबल के स्ट्रक्चर को ही देख लो, जो आप लिखते हो ना a बार b बार a बार b a b a b बार, जो आपने वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, तो आप देखो अगर आप 4 ग्रे कोड नहीं यूज करोगे तो कभी भी कॉमन ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, कभी भी कॉमन नहीं आ पाएगा। अगर आपको कॉमन चाहिए, मतलब अगर आप 00 01 11 10 नहीं लिखोगे, उसकी जगह आपने लिख दिया 00 01 10 एंड 11, तो कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है नाउ? तो हम लोगों ने जो के मैप में अभी तक स्टडी कर लिया है कि कितने वेरिएबल्स आपके एलिमिनेट होंगे, कैसे आप इनसर्कल करते हो, ठीक है, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है और कम से कम सर्कल। नाउ एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्राइम इंप्लिकेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टडी कर लेते हैं 5 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो 5 वेरिएबल के मैप क्या होता है आपका? देखो 4 वेरिएबल के मैप तक आप कंफर्टेबली सॉल्व कर लेते हो, 5 वेरिएबल के मैप क्या होगा आपका? ऑब्वियस सी बात है, जब आप 5 वेरिएबल के मैप की बात करते हो तो टोटल आपके 32 बॉक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर टोटल आपके 32 बॉक्सेस होंगे तो वो एक फिगर में आप ड्रॉ नहीं करते हो। 5 वेरिएबल के मैप का मतलब क्या होता है आपका, कि आपको 2 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं यहां पर 5 वेरिएबल लेके चल रहा हूं a b c d e। ठीक है, ये आपके 5 वेरिएबल है जिसमें a msb है, देन b, देन c, देन d, देन e। तो यहां पर आपको करना क्या है, बेसिकली आपको 2 बनाने हैं 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल्स के, और आप कैसे अज्यूम करते हो एक के ऊपर दूसरा, तो टोटल हो जाते हैं आपके 32 बॉक्सेस 5 वेरिएबल्स। अब एक पॉइंट समझना मेरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लो जब आप 2 वेरिएबल की गिनती लिखते हो तो क्या लिखते हो 00 01 10 11। ठीक है, अब इसी 2 को जब आप कन्वर्ट करते हो 3 वेरिएबल में तो क्या करते हो, इन चारों के पहले आप लगा देते हो 0 और फिर इन चारों के पहले लगा देते हो 1। ठीक है ना, 2 वेरिएबल की काउंटिंग को 2 बार रिपीट करते हो, एक बार 000 लगा के, एक बार 111 लगा के। वैसे आपको ऐसे याद नहीं रखना है, लेकिन स्टिल अब ये जो 3 वेरिएबल हैं, इनको अगर 4 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, इन 8 कॉम्बिनेशन के पहले लगा देते हो 0, फिर इन 8 कॉम्बिनेशन के पहले आप लगा देते हो 1। ठीक है, ऐसे करके आपका 1111 बन जाता है। तो ये काउंटिंग आपकी होती है 0 से लेकर 15 तक। क्लियर, अब अगर आपको इस 4 वेरिएबल को 5 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इन 16 कॉम्बिनेशन के पहले लगा दोगे क्या 0, ठीक है, और फिर इन 16 कॉम्बिनेशन के पहले क्या लगा दोगे 1। तो 0 से 15 के बाद आपका जो 16 होगा वो कितना हो जाएगा 10000, और जो 31 होगा, जो लास्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका 31, वो जाएगा 1111। ठीक है ना, 4111 थे जो 15 में आपको मिले थे, उसके आगे क्या लगा दोगे आप 1। तो एक्चुअल में अगर आप समझोगे पूरे प्रोसेस को जो मैं 5 वेरिएबल का आपको बताने के लिए जा रहा हूं, तो आपको करना क्या है, 4 वेरिएबल का 0 से 15 bcde, फिर 4 वेरिएबल का bcde। ठीक है, अगर जो पहला वेरिएबल है a, अगर वो 0 होता है तो आप 0 से 15 तक मूव करते हो। जब आपका फर्स्ट वेरिएबल 1 हो जाता है तो आप मूव करते हो 16 से 31 तक।
तभी आप पूरा मूव करोगे 0 से 31 तक. आप देख सकते हो 0 से 15 तक ए जो है 0 है. जैसे ही 16 पर जाओगे ए क्या हो जाएगा 1. 31 पे भी ए क्या है 1 है. तो करते क्या है हम लोग, जो एमएसबी होता है ना उसको पहले ब्लॉक में रखते हैं 0 और दूसरे ब्लॉक में रखते हैं एमएसबी को 1. क्लियर? तो एमएसबी आपका 0 होगा और एमएसबी आपका 1 होगा. उसके बाद क्या करना है, आपको के मैप बनाना होता है बी सी डी ई के लिए. तो 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10 बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, डी बार ई बार, डी बार ई, डी ई और देन डी ई बार. ठीक है. अब 15 तक यहां पर हो गया. अब आपको पता है 16 से यहां चालू होगा. अब आपको लॉजिक पता है ना के मैप का, कि थर्ड रो में चेंज होता है और थर्ड कॉलम में, मतलब 16 17 फिर 19 18 फिर 20 21 फिर 23 22 फिर आपको पता होता है थर्ड रो में भी चेंज होता है. तो कितना हो जाएगा 24 25 27 26 28 29 31 30. तो ये आपके सारे के सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं इन केस ऑफ वाइफ वेरिएबल्स. अच्छे से क्लियर है ये पॉइंट? नाउ अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि फाइव वेरिएबल के के मैप को कैसे सॉल्व करना है. तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, वाई ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई सिग्मा एम 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31. ठीक है. तो यहां पर मैंने काफी सारी वैल्यूज ले ली हैं. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको जहां जहां जो जो नंबर प्रेजेंट है सब जगह आपको वन लिख रहे हैं. ठीक है. तो लिख लो 2, 3 फिर क्या है 6, 7 फिर क्या है 8, 9 देन 12, 14, 15 देन क्या है 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31. ठीक है. तो यहां पर आपने सारी के सारी जगह वन लिख दिया. अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है हम लोगों का, ध्यान से देखो. आप क्या कर सकते हो, आप दोनों में से भी सर्कल बना सकते हो, इंडिविजुअली भी सर्कल बना सकते हो. बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है ये हमेशा ध्यान रखना. जैसे मैंने अभी अभी आपको एम और एन वाला जो कंसेप्ट बताया, जितना बड़े से बड़ा सर्कल बनाओगे उतने ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल करस्पॉन्डिंग आंसर टर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है. तो अब देखो यहां पर अगर आपको दो सर्कल से बनाना है तो क्या देखना होता है कि दोनों के दोनों के मैप में सेम सेम पोजिशन पर वन वन होने चाहिए, सेम पोजीशन पर, तब आप उन्हें सर्कल कर सकते हो. तो यहां मैं क्या करूंगा आपके लिए कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट के मैप्स हैं उनमें जब मैं सर्कल करूंगा तब मैं इसे डिफरेंट इंक से आपको शो कर देता हूं, ब्लू इंक से. ठीक है. तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे कर सकते हैं. तो यहां पर अगर आप देखते हो कि आपके जो ये फोर वंस हैं, अगर आप देखो इन फोर वंस को या इन फोर वंस को अगर आप एक साथ कर लो, इन फोर वंस को, ठीक है, तो मैं सेम को ब्लू में ले रहा हूं एक्चुअल में, जो एक सर्कल में कर रहा हूं. ठीक है. तो इसको मैंने एक ही सर्कल में कर दिया. अब
देखो इस 2-1 को अगर इस 2-1 के साथ कर दूं, क्योंकि सेम प्लेस पे दोनों दोनों हैं आपके, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखते हो यहां पर ये चारों 1 भी आपके इन सर्कल हो जाएंगे जो यहां पर है। आपको बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का ट्राई करना है बस। कहीं पर अगर ऐसा हो कि 4 यहां पर भी हो, 4 यहां पर भी हो, तो 8 भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन मिल नहीं रही है हम लोगों को। इसके बाद जो जो बच गए उनके बारे में सोच लेते हैं। आप अगर देखो यहां पर 2-1 है, यहां पर कुछ नहीं है, तो इनको आपस में ही करना पड़ेगा। तो ये दोनों हो सकते हैं हमारे। उसके अलावा अगर आप इस 1 के बारे में सोचो तो ये चारों भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरा यहां पर एम ये नहीं है कि आपको मिनिमाइज कैसे करना है, ये चीज बताऊं। मेरा एम यहां पर ये है कि जब आप 2 के मैप का यूज करोगे तो आपको सेम सेम लोकेशन पर चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बस एक दो टर्म जो मैंने बनाए हैं उसके लिए आंसर लिखना बस खाली बता देता हूं। तो अगर आप देखोगे जब आप सेम सर्कल की बात करोगे, मतलब सेम के मैप की बात करोगे, मतलब यहीं पर आपने इनसर्कलमेंट की है, मान लो ब्लू लाइन से जो इनसर्कल किया है, तो यहां पर अगर आप इसको आंसर देखोगे तो यहां से एक रो वाइज क्या कॉमन मिल रहा है, रो वाइज मिल रहा है सी, कॉलम वाइज मिल रहा है डी, तो आपका आंसर होता है सी डी। लेकिन आपको यह बात भी समझनी होगी कि यहां पर ए भी है, क्योंकि आप इसी के मैप की बात कर रहे हो, तो यहां पर ए है, तो आपको लिखना होगा ए बार। वैसे भी आपको पता है जब आप 4-1 को इनसर्कल करते हो तो 2 की पावर 2 वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं, तो ए बी सी डी ई 2 वेरिएबल एलिमिनेट हुए, तो आंसर टर्म में कितने वेरिएबल बचते, 3, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं। मान लो अगर आप इन 4-1 की बात करो, इन 4, तो रो वाइज क्या कॉमन मिल रहा है हमें, बी, कॉलम वाइज क्या कॉमन मिल रहा है, कॉलम वाइज हमें कॉमन मिल रहा है डी, ठीक है। तो रो वाइज बी मिल रहा है, कॉलम वाइज डी मिल रहा है, और यहां पर ए इक्वल टू 1 है, मतलब आप क्या लिखोगे, ए। अब अगर आप दोनों दोनों सर्कल की बात करो, मतलब 2 के मैप पे जो अलग अलग सर्कल हैं, मैं अभी सब के आंसर अभी देने वाला हूं, बस एक और पॉइंट समझ लो। अगर मैं दोनों की बात करूं, 2 कॉमन सर्कल, ठीक है, तो देखो 3, 2, 19, 18, तो यहां पर अब ए कॉमन नहीं रहा, पहले इस पॉइंट को समझ लो। यहां पर आपका ए कॉमन नहीं रहा, ए 0 या 1 है, ठीक है, तो ए कॉमन नहीं है, तो नॉर्मली अब 2 और 2, 4, 4 1s हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हो अब, तो कितना बचेगा आपका, रो वाइज बी बार सी बार और कॉलम वाइज डी, तो क्या हो जाएगा, बी बार सी बार डी। तो आप देख सकते हो 4 1s थे, तो 2 की पावर 2 एलिमिनेट हो गए वेरिएबल, 3 वेरिएबल बच गए। तो जब आप दोनों से लिखोगे तब ए का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन जब आप इंडिविजुअली लिखोगे तो सामने ए बार या ए जरूर लगा देना। अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन है कि 14, 15, 31, 30, ठीक है, इसको अगर चेक करें हम लोग, 14, 15, यस हम कर सकते थे इन सर्कल। फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि कम से कम सर्कल बनाने हैं तो उस हिसाब से ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट हां हम कर सकते थे। बट अगर आप ये 2 सर्कल बना चुके हो ऑलरेडी, जैसे मैं यहां पर मिनिमाइजेशन आपको नहीं सिखा रहा हूं इस वाले टॉपिक के लिए, वो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, यहां पर मैं जस्ट आपको आंसर कैसे लिखने हैं, टेबल कैसे बनाना था, ये सब सिखा रहा हूं। यस आप कर सकते हो, अगर 14, 15, 30, 31 को करना चाहो तो आप इन चारों को कर लेते, फिर इन चारों को कर लेते 3, 2, 6, 7 को, और 19, 18 के साथ 26, 27 को कर लेते फिर, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और क्वेश्चन है, 1, 2, 7, 6, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हां ये बोल सकते हो कि इतना लेंदी ना आए, मतलब इतने सारे नंबर ना दे, बट अगर 5-6 नंबर खाली दिया होता या 8-10 नंबर दिया होता तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हो, बस आपको कंसेप्ट देखना है।
आपको नंबर नहीं देखना है, मैंने तो यहां पर 15-20 नंबर ले लिए, काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। हां, ये कॉम्प्लेक्सिटी मींस लेंथी इतना नहीं होगा जितना मैंने ले लिया है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको 7-8 नंबर्स देगा और आप बहुत इजिली। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, जब आप एग्जाम देते हो ना, ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं, के मैप हो चाहे कोई भी। अब के मैप का एग्जांपल ले लो, जब आप के मैप की बात करोगे, जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप ऑप्शन में जो टर्म्स लिखे होंगे ना उनसे कंपेयर करके आप सर्कल्स बना बना के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और अगर मान लो 5-6 टर्म मिल रहे हैं तो आप 2-3 टर्म चेक कर लो, आपको पता चल जाता है कि आंसर ये है। तो इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान दो, लेंथ पे नहीं। क्लास पे तो हमें जितना भी हो सब कुछ पढ़ना है, बट एग्जाम में इससे बहुत इजी आएगा, नंबर ऑफ वंस आपके काफी लेस ही होंगे, ठीक है। क्लियर है अच्छे से सबको? ओके, इट इज अ क्यूब, ठीक है। तो सिंपली आप यही इमेजिन करो ना कि ये 4 वेरिएबल का के मैप है आपका, ठीक है। हां, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक के ऊपर एक है, तो उस तरह से आप इसको उस तरह का स्ट्रक्चर सोच सकते हो, ठीक है। मींस एक के ऊपर आपने एक रख दिया तो बिल्कुल है, आप स्ट्रक्चर ऐसा सोच सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसा ही दिखेगा जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन सिंपली आपको दो फोर वेरिएबल के एक के ऊपर एक रख दे रहा है, ठीक है। नाउ यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है डोंट केयर। डोंट केयर हमारा क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में लिखा है y a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 4 वेरिएबल का ले रहा हूं वापस से मैं, 2, 3, 6, 7, 9, 12 प्लस d 0, 1, 14, 15। तो ये डोंट केयर का क्या मतलब होता है, d फॉर डोंट केयर। देखो डोंट केयर का मतलब होता है इट कैन बी 0 इट कैन बी 1, मतलब आप उसे 0 की तरह भी ट्रीट कर सकते हो और 1 की तरह भी। तो इसका यूज क्या है, देखो आप ध्यान से इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं कि डोंट केयर का यूज क्या है। अगर मैं यहां पर पहले सारे वंस शो कर दूं, तो यहां पर आप देखो 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 9, 12, फिर सारे डोंट केयर। डोंट केयर को हम शो करते हैं क्रॉस के थ्रू, 0, 1, 14, 15, ठीक है। तो डोंट केयर का यूज क्या है, या डोंट केयर का यूज आप के मैप में कैसे कर सकते हो, कि जहां जहां आपको ऐसा लगता है कि बड़ा सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हो जितना बड़ा सर्कल बनाओगे उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टर्म में कम होंगे, तो जहां जहां बड़ा सर्कल बनाने के लिए डोंट केयर की रिक्वायरमेंट है उन्हें आप यूज कर लो, लेकिन डोंट केयर को इनसर्कल करना कंपलसरी नहीं है, मतलब यूज है तो करो अदरवाइज थ्रो इट, सिंपल सी बात है। तो आपको सिर्फ टारगेट वन को ही करना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपके 4 वंस इनसर्कल डायरेक्टली हो रहे हैं, तो आप इन चारों को करो। कुछ लोग ये भी कर सकते थे अगर गलती करते तो, कि आप पहले इन चारों को कर देते, मतलब 0, 1, 2, 3 को, जिससे 2 वन हो जाते तब भी आप बोलते 4 का तो बन रहा है, पर फिर से इन 1, 1 के लिए आपको एक और सर्कल बनाना ही पड़ता। तो जब एक ही सर्कल में चारों वन आ रहे हैं तो फिर 2 सर्कल क्यों बनाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब ये वन आपका रह गया और ये वन रह गया, तो इस वन को देखो आप इसके साथ कर सकते हो, इस वाले डोंट केयर के साथ, यहां डोंट केयर आपका यूज हो रहा है अब, और इसको आप अब इसके साथ कर सकते हो, इस वन को इसके साथ। सबको क्लियर है डोंट केयर का यूज, चेक कर लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि डोंट केयर आपको किस तरीके से यूज करना है। आप देख भी सकते हो ये वाला जो डोंट केयर है 15 वाला और 0 वाला, ये कहीं भी आपका यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो डोंट केयर हमेशा यूज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबको अच्छे से क्लियर हो गया यहां पर?
हां डोंट केयर ऑलवेज गिवन होगा आपको, अगर अगर है तो सिंपल सी बात है, नहीं है तो नहीं गिवन होगा. इन डोंट केयर वी हैव टू कवर ऑल वंस. देखो डोंट केयर का मतलब क्रॉस है, क्रॉस को कवर करना जरूरी नहीं है. जो सिग्मा एम है ना उसमें जो वन दिए हैं उनको कवर करना कंपलसरी है. तो 2, 3, 6, 7, 9, 12 वो जो वन थे उनको कवर करना कंपलसरी था. ये जो डोंट केयर थे 0, 1, 14, 15 में उनका यूज हो रहा है बड़ा सर्कल बनाने के लिए तो करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. जैसे देखो 15 और 0 वाला यूज नहीं किया हम लोगों ने. ठीक है एक और क्वेश्चन है मेरा इसी डोंट केयर से रिलेटेड, वो ये है कि जैसे अभी यहां पर आपको डोंट केयर दिया हुआ है सिग्मा एम और डी, हमें पता है कि हमें अगर एसओपी फॉर्म गिवन हो तो हम पीओएस फॉर्म भी लिख सकते हैं. मैं के मैप की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म इस का क्या होगा, इस वाई का पीओएस फॉर्म मुझे बताओ. पीओएस फॉर्म में कौन कौन से नंबर आएंगे, के मैप नहीं ओनली वाई का पीओएस फॉर्म में कौन कौन से नंबर आएंगे अगर ये सिग्मा एम दिया हुआ है आपको डोंट केयर दिया है तो बताओ. पीओएस पे कौन कौन से नंबर आने चाहिए पाई एम में अगर सिग्मा एम हमें दिया है यहां पर तो सारे ही आएंगे, मतलब कौन से आएंगे. फोर फाइव थर्टीन इलेवन टेन फोर फाइव वेरी गुड बस यही आएंगे वेरी गुड. ये ध्यान रखना जरूरी था कि ये जो डी है वो डोंट केयर है. डोंट केयर कैन बी जीरो कैन बी वन, तो आपको सिर्फ वो नंबर कंसीडर करने हैं जो इन दोनों में नहीं है, वहां पर ही जीरो होगा सिर्फ और सिर्फ. तो आप देख सकते हो फोर कहीं नहीं है, फाइव कहीं नहीं है, 11 कहीं नहीं है, 10 नहीं है, 13 नहीं है. ठीक है तो जब आप POS लिखोगे सेम चीज का तो कैसा लिखोगे, पाई एम 4 5 10 11 और क्या था हमारा 13 और साथ में D लिखोगे 0 1 14 15 मतलब POS फॉर्म ऐसे लिखते हैं आप इसका. ठीक है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, डोंट केयर जो है वो SOP के लिए भी सेम होगी और POS के लिए भी सेम होगी. क्लियर है अच्छे से. ठीक है तो यहां पर अब जो के मैप में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह गए हैं, एक तो हमारा रह गया पीओएस फॉर्म वाला जो बिल्कुल सेम होगा जैसा एसओपी हमने पढ़ा है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, और एक होगा आपका प्राइम इंप्लीकेंट्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट और रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे. ठीक है तो आज की क्लास में यही स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राइम इंप्लीकेंट्स पहले समझ लेंगे और पीओएस फॉर्म को जस्ट 10 मिनट्स में देख लेंगे. ठीक है और उसके बाद फिर हम डिकोडर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट क्लास डिजिटल की मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे. ठीक है मोस्ट प्रोबेबली तो आप लोग स्टडी करके रखना जो के मैप हम आज पढ़े हैं. ठीक है क्योंकि उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा.